तो आ गए आप सब। चलो अच्छी बात है। तो आपने देखा था कि लास्ट वाले वीडियो में हमने अपने लिए खाने के लिए फार्म बनाया था और दूसरा एक एनिमल फार्म भी बनाया था जिसमें हमने पिग, काउ और शिप को बांध के रख दिया था, लेकिन हम चिकन को नहीं ढूंढ पाए थे। तो आज हो सके तो चिकन को ढूंढेंगे और हमें केव में जाके ढेर सारे डायमंड भी माइन करने होंगे क्योंकि हमें डायमंड आर्मर चाहिए अब। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बार हम वीडियो का लाइक एम रखते हैं 25 लाइक का। प्लीज़ भाई लाइक एम पूरा करवा देना। सबसे पहले मैंने केव में जाने के लिए सामान इकट्ठा किया, फिर मैं निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए और मैं डाउन माइनिंग कर रहा था क्योंकि मुझे लेवल -58 पे माइनिंग करनी थी क्योंकि डायमंड मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी -58 पे ही होती है। उतने में मुझे एक यहाँ पे माइन मिल जाती है जहाँ पे मुझे लावा दिखता है और मैं धीरे धीरे करके लावा से बच के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। म्यूजिक पे आया, बकेट ली, पानी भरा अंदर और जल्दी से माइन की ओर जाने लगा। मैं अपनी माइन के पास पहुंच गया जहां पे मैं लावा में मर गया था। फिर मैंने यहां पे पानी डाला और पानी के ज़रिए नीचे गया और अपना सारा सामान इकट्ठा किया। मेरा ज़्यादातर सामान और टूल्स सारे लावा में जल गए थे। फिर मैंने अपना बचा हुआ आर्मर बनाया, यहां पर मैंने रेडस्टोन माइन किया। फिर मैंने वापस से नीचे की तरफ माइन करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे मुझे ग्रेवल मिली, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी ग्रेवल इकट्ठा की। मैं माइन करते हुए इतना नीचे आ गया था कि अब मुझे बेडरॉक दिखना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनिंग करके अपने लिए बेस बना लिया और फालतू का सामान चेस्ट में स्टोर कर दिया। फिर मैंने इस तरफ से स्ट्रेट माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे लेवल 58 पे माइन करना था तो वापस से मैंने नीचे ब्लॉक लगाया और यहाँ से माइन करना स्टार्ट कर दिया। माइन करते करते मेरी आयरन की पिकेक्स की हेल्थ ख़त्म हो गई और वो टूट गई। फिर मैंने वापस जाके दो आयरन की पिकेक्स और कुछ स्टोन पिकेक्स बना ली और आगे माइन करते हुए मेरा इस वर्ल्ड का मुझे पहला डायमंड मिला। शाबाश बेटा। यहाँ पे मुझे 1, 2 और 3 डायमंड आसपास के ब्लॉक भी माइन करके मैंने देखे, लेकिन मुझे और डायमंड नहीं मिले। फिर मैंने ये गोल्ड ब्लॉक माइन किए, फिर मैंने अपनी स्ट्रेट माइनिंग जारी रखी। बहुत दूर तक माइन करने के बाद मैंने साइड में थोड़ा माइन किया और पीछे की तरफ माइन करना स्टार्ट कर दिया। भाई यार कब से माइन कर रहा हूँ कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। अब लगता है पहले किस्मत अच्छी थी जो बस 3 डायमंड मिल गए। काश यार थोड़े और डायमंड मिल जाते, बस थोड़े बहुत ही मिल जाते, 4-5 जितने। इतनी खुशी मुझे आज तक। अरे हाँ भाई मुझे भी नहीं हुई आज तक इतनी खुशी। अरे भाई कितनी देर से माइनिंग कर रहा हूँ, अब जा डायमंड मिले हैं। फिर मैंने उसके आसपास के ब्लॉक को हटाया ताकि मुझे पता चल सके कि हमें कितने डायमंड मिले हैं। मुझे यहाँ पे 4 डायमंड मिले जिसको मैंने बहुत आराम से, बहुत प्यार से, एकदम स्मूथली आराम से बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो हमें यहाँ से 4 डायमंड मिलते हैं और 3 डायमंड हमारे पास पहले से थे, तो कुल मिला के हमारे पास 7 डायमंड हो जाते हैं। फिर मैंने बहुत देर तक स्ट्रिप माइनिंग की लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने अपना कुछ बेकार का सामान इस चेस्ट में रखा और फिर मैं निकल दिया ऊपर की तरफ। ऊपर आके मैंने सबसे पहले वुड इकट्ठा की क्योंकि हमें स्टिक की ट्रेडिंग करके एमरल इकट्ठा करने थे और एमरल से हमें फॉर्चून 3 की बुक खरीदनी थी। यहाँ पे हमें ट्रेड करने के बाद 11 एमरल मिले लेकिन वो काफ़ी नहीं थे बुक खरीदने के लिए, तो मैंने फिर से एक बार स्टिक्स बनाई। फिर यहाँ पर मैंने वापस से इसके साथ ट्रेडिंग की लेकिन इसने ट्रेड देनी ही बंद कर दी। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, हमारे पास बहुत सारे मजदूर हैं। अरे अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे कहने का मतलब था कि विलेजर्स। और अब हमारे पास 21 एमरल हैं, बट भाई मैं तो एक बात भूल ही गया था कि हमारा ये वाला विलेजर फॉर्चून 3 की ट्रेड ही नहीं दे रहा है। साले मजाक बना के रखते हो। जी ब्रो मैंने बोला था कि ये वाला विलेजर ट्रेड नहीं दे रहा, लेकिन हमारा दूसरा वाला विलेजर तो ट्रेड दे रहा है ना। बात तो सही है।
इसकी ट्रेड लॉक करने के लिए मैंने इसके साथ पेपर ट्रेडिंग की और हम फॉर्च्यून 3 वाले बंदे के लिए जान दे देंगे इसके लिए। फिर मैंने कुछ इस तरीके से इसको कैद कर लिया, लेकिन एक गलती हो गई भाई, मैंने बाकी बचे हुए एमरल्स के लिए वुड इकट्ठा की, स्टिक बनाए, स्टिक से ट्रेडिंग की और एमरल हो भी गए थे और मैंने ख़रीद भी ली और एक डायमंड पिकेक्स भी बना ली, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। हाँ ये कर लो पहले। अरे नहीं भाई, सच बोल रहा हूँ मैं, वो क्या है ना, नया नया यूट्यूबर बनाऊँ ना मैं, लेकिन इतना सब पूरा हुआ ही था कि एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। क्यों, क्या हुई? अरे भाई, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एनविल भी तो चाहिए होगा, और ना ही हमारे पास एनविल है और ना ही हमारे पास इतना आयरन है कि हम एनविल बना सके। फिर करना क्या था, मैंने अपनी नई वाली डायमंड की पिकेक्स ली और निकल पड़ा आयरन इकट्ठा करने। फिर यहाँ पे मुझे एक माइन मिलती है, मैं इस माइन में आता हूँ और मुझे यहाँ शुरुआत में ही ढेर सारे आयरन मिल जाते हैं और मुझे इस वाली केव में बहुत सारे आयरन और मिल जाते हैं। हमें एनविल बनाने के लिए 31 आयरन इंगट चाहिए थे, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा ही मिल गए, तो ये इकट्ठा करके मैं इस केव से बाहर निकल जाता हूँ। फिर ये रो आयरन को हम स्मेल्ट करने के लिए रखते हैं। उतने में मुझे एक चिकन दिख जाता है और आप सबको पता है ना, हमारे फूड फार्म में चिकन की ही बस कमी है। तो फिर करना क्या था, मैंने इसको फार्म में बंद किया और लगे हाथ एक और चिकन भी आ गया। फिर चिकन को कैद करने के बाद हम चलते हैं अपना आयरन जो स्मेल्ट करने रखा था उसको लेकर एनविल बनाते हैं। एनविल को यही चेस्ट के पास में लगा के पिकेक्स और फॉर्च्यून लेते हैं और इन दोनों को एनविल पे रख के कंबाइन करेंगे और इसका नाम रखेंगे एक का डबल। एक का डबल? हाँ बाबू भैया, एक का डबल, क्योंकि हम इस पिकेक्स से एक डायमंड तोड़ेंगे तो उससे हमें एक से ज़्यादा ही डायमंड मिलेंगे, तो हुआ ना एक का डबल। तो मैं इस फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स को ट्राई करने के लिए निकल पड़ता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ हमें सबसे पहले गोल्ड मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लॉक मिलते हैं यहाँ पे। और मैंने इस गोल्ड को कलेक्ट किया और देखा मेरी अपनी इन्वेंट्री में, तो यहाँ पे 13 गोल्ड मिल गए थे मेरे को। तो फिर तो ये पिकेक्स तो ओपी है भाई। फिर मैंने इसके में ढेर सारा आयरन, कोल और लेपिस भी माइन किया। ये सब माइन करने के बाद मैं निकल पड़ा ऑब्सीडियन माइन करने के लिए, क्योंकि नेदर पोर्टल बनाने के लिए ऑब्सीडियन चाहिए था मेरे को। और मैं ऑब्सीडियन माइन कर ही रहा था उतने में ही अरे भाई, एक ही वीडियो में दो दो बार कौन मरता है यार। और फिर मैं जल्दी से उस जगह पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स अभी तक बची हुई थी और मैं ज़्यादातर सारा सामान बचा हुआ था। चलो, मैंने आयरन कलेक्ट किए थे वो फिर से मैं नेदर पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन इकट्ठा कर रहा होता हूँ उतने में। यार अभी मर के वापस आया हूँ, अब दोबारा नहीं मरना चाहता मैं, आराम से। यार सब तरफ से लावा निकल रहा है, मैंने 15 ऑब्सीडियन इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम निकलते हैं, नीचे जाएंगे और डायमंड माइन करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत कुछ अच्छा साथ नहीं देती है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। मैंने मान लिया भाई, मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए और वापस ऊपर आ गया और अपना सारा गोल्ड स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और अपनी इन्वेंट्री का सारा सामान चेस्ट में खाली कर दिया। और अब बारी है नेदर पोर्टल बनाने की, तो हम नेदर पोर्टल यहाँ हम झील के पास में बनाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ का एरिया साफ कर दिया जहाँ पर मैं नेदर पोर्टल बनाऊँगा। अब हमारा नेदर पोर्टल बन के रेडी है, अब बस हमें चाहिए फ्लिंट एंड स्टील। तो मैंने फ्लिंट एंड स्टील बना लिया। और हाँ भाई, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि हमें नेदर में जाने के लिए यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। तो हमने फटाक से यूनिफॉर्म बना, अब हम तैयार हैं नेदर में जाने के लिए। तो चलो नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं।
चलो अब चलते हैं नेदर में, देखते हैं कहाँ पे निकलते हैं हम बाहर। अरे भाई साहब ये तो पूरा रेड रेड है यहाँ पे। अरे अभी तो जस्ट मैं नेदर में आया था, उतने में ये लोग चढ़ बैठे मेरे पे। ये बहुत खतरनाक जगह है भाई, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। अगले एपिसोड में हम यहाँ पे आएंगे और अलग अलग बायोम्स देखेंगे यहाँ पे। चलो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे तू यहाँ कहाँ से आ गया बे? देखो भाई अब तो ये भी बोल रहा है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।